लालगंज में पैसे के अभाव में इलाज नहीं होने के कारण गर्भवती महिला की मौत की खबर प्रकाशित होने के बाद चिकित्सा विभाग की नींद खुली, जिसके बाद लालगंज बाजार स्थित कई निजी नर्सिंग अस्पताल की जांच पड़ताल की गई है। रेफरल अस्पताल लालगंज के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, डॉक्टर मुकेश पंकज और डॉक्टर जयराम की 3 सदस्यीय टीम लालगंज नगर परिषद के वार्ड 23 निवासी जगन्नाथ राम की बेटी रंजू देवी के घर पहुंची, जहां मंगलवार की रात प्रसव पीड़ा से तड़प कर इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई थी। वहां पहुंचकर जांच टीम ने मृतका के परिजनों से बातचीत की, जहां टीम को मृतका की भाभी ललिता देवी ने बताया कि कई निजी नर्सिंग होम में चक्कर काटते रहे मगर कोई भी भर्ती नहीं लिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। जांच करने पहुंचे रेफरल अस्पताल प्रभारी ओम प्रकाश आनंद ने बताया कि मृतका के परिजन से पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद आरोपी सभी निजी नर्सिंग होम संचालकों से भी पूछताछ की गई है, जिसके आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार कर विभाग के वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। विभाग के निर्देशानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मृतका के परिजन ने थाना में आवेदन देकर कुछ नर्सिंग अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंगलवार की रात को 10 बजे के आसपास में उनके यहाँ उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर आभा सिन्हा के यहाँ उन्होंने इलाज के लिए गया, लेकिन वहाँ पे मैडम के द्वारा इलाज नहीं किया गया जैसा उनके द्वारा बताया गया। इसके अलावा वो विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में चक्कर लगाई हैं। इसके अलावा फिर लास्ट में उनको माँ दुर्गा क्लिनिक है वहाँ पे रेपुरा में, वहाँ पे वो इलाज के लिए गई, लेकिन वहाँ बताया गया कि पेशेंट की हालत बिल्कुल देखने मत क्या बोलते हैं सीरियस था पेशेंट, जिसके कारण वो पेशेंट को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हुए। शुरू में प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, रेफर करने की कोशिश की गई, तब तक के लिए पेशेंट है जो उसके बाद हम लोग हैं जो विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में घूम घूम के जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या सत्यता है और क्या इनके यहाँ क्या क्या कारण रहा कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाई और क्या कारण रहा उनकी मृत्यु का वजह, ये जानकारी जुटाई गई है और इसका एक प्रतिवेदन बना लिया गया है और इसको हम लोग सर्जन के पास और जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ कहाँ पर